मोबाइल से किसी को भी कॉल लगा रहे हैं बट आपकी जो कॉल है वो लग नहीं रही है, वहाँ पे नॉट रजिस्टर्ड ऑन नेटवर्क करके एरर आपको देखने को मिल रहा है। तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पे 3 से 4 काफ़ी यूजफुल स्टेप्स आपको बताऊँगा। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम चुटकियों में सोल्व भी हो जाएगी। तो चलिए बिना बकवाद किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना, अगर आपके सामने इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है, वैसे तो ये जो प्रॉब्लम है मोस्टली सैमसंग के मोबाइल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, बट अगर किसी अलग एंड्रॉयड मोबाइल में भी हो सकती है, अगर किसी और में भी हो गई है चाहे सैमसंग में ही हो गई हो, तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स करनी है। सबसे पहली सेटिंग्स में तो आपको जो अपना मोबाइल है उसको एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। रिस्टार्ट करते ही ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हो ही जाती है। अदरवाइज़ जब भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है तो आपको देखिए क्या करना है, मोबाइल की मेन सेटिंग्स में आए और यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट या फिर मोबाइल नेटवर्क हो सकता है, इस पर क्लिक करें। एंड यहाँ पे अब वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि जो भी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ सब कुछ काफ़ी यूजफुल और इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोबाइल नेटवर्क, इस पर क्लिक करना है, वो सिम सेलेक्ट करना है जिसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक एडवांस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देना। डाटा रोमिंग का एक ऑप्शन है, अगर आप चाहे तो इसे अनेबल कर भी सकते हैं चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपको थोड़ी देर के लिए इसे अनेबल कर देना है, चाहे वापस बाद में बंद कर दें इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा 4G LTE मोड या फिर हो सकता है 4G VoLTE मोड, इस तरीके से ये ऑप्शन अगर आपके में बंद मिलता है तो इसे आपको चालू कर देना है, और अगर ये आपका ऑलरेडी चालू है तो इसको एक बार वापस में बंद करना है इस तरीके से और फिर से चालू करना है, ठीक है। ये इसके नीचे आप पढ़ भी सकते हैं, यूज LTE सर्विस टू इम्प्रूव वॉइस एंड अदर कम्युनिकेशन रिकमेंडेड, ये काफ़ी ज़्यादा सुधार करता है कॉलिंग प्रॉब्लम में या इंटरनेटवर्क पुअर कनेक्शन प्रॉब्लम में, ठीक है। तो LTE मोड हो सकता है या VoLTE मोड हो सकता है, इन्हें आपको अनेबल रखने हैं। अगर अनेबल था तो एक बार बंद करना है और वापस में फिर से अनेबल करना है। उसके बाद प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप मिलता है, यहाँ पे आपको आपके मोबाइल के नेटवर्क दिखाई देंगे, कौन कौन से मोबाइल नेटवर्क आपका पकड़ सकता है, 2G 3G 4G 5G, तो आपको सबसे ज़्यादा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे मैंने 4G पे कर रखा है, अगर आपके में 5G भी है तो आप 5G पे कर सकते हैं या ऑटो पे कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मोड आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है आपको, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नेटवर्क, इस पर क्लिक करें और इसे अनेबल कर दें, ये ऑटोमेटिकली ऑन होना चाहिए। उसके बाद एक ऑप्शन और है एक्सेस पॉइंट नेम्स, इस पर आएँ, ऊपर 3 डॉट दिखेंगे इन पर आएँ और रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर दें। रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करने पे जो आपकी नेटवर्क की सेटिंग थोड़ी बहुत गड़बड़ा गई थी वो ऑटोमेटिक सेट एज डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी, कोई भी प्रॉब्लम आपकी नेटवर्क सेटिंग्स में नहीं रहेगी। ये काम करना है तो ये देख सकते हैं आप रीसेट डिफ़ॉल्ट हो चुकी हैं। अब उसके बाद आपको एक काम और करना है, अपने मोबाइल की मेन सेटिंग्स में फिर से आना है और यहाँ पर आपको रीसेट लिखना है, इस तरीके से रीसेट लिखेंगे और सर्च करेंगे। तो जैसे आप रीसेट लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ, इस पर क्लिक करें और उसके बाद रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ फिर से क्लिक करें। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, दिस विल रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग्स इंक्लूडिंग वाईफाई मोबाइल डाटा ब्लूटूथ, इस तरीके से इससे आपका जो मोबाइल का डाटा है कुछ भी लॉस्ट नहीं होगा, ना ही कोई फोटो वगैरह कुछ भी डिलीट नहीं होगा, ओनली नेटवर्क वगैरह की सेटिंग्स है जो लिखा हुआ है साफ साफ वाईफाई की, मोबाइल डाटा की, ब्लूटूथ की और इंटरनेट की, तो इन सेटिंग्स को रीसेट कर देगा। इस पर रीसेट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल का पिन डालना होगा, जो आपकी जो सेटिंग्स है नेटवर्क की ईजिली रीसेट हो जाएंगी। तो इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो बड़ी आसानी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।